झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज। ये जी TVS की iQube है जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है TVS की ओर से। बाइक देख सकते हैं आपको फुल्ली LED मिलेगा और प्लस आपको डुअल डिस्क मिलेगा। फ्रंट में डिस्क सर जैसा कार में आपको मिलता है वैसा इसमें स्लिप प्लस रात में ऊपर रात में आपको गाड़ी जैसे कि अंधेरा में गाड़ी पार्क है, ये तो पूरा इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसके इसमें कंपनी टॉर्च दी है, आप इसमें टॉर्च चला करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ये मेन फीचर स्टार्टिंग की है। ये सर इसका ये फुल्ली डिजिटल है आपको। ये देखिए सर आपकी गाड़ी कितनी परसेंट चार्ज है ये वो दिखाएगी। अब जैसे कि आपको ये गाड़ी स्टार्ट करना है, ये देखिए ये साइड स्टैंड इंडिकेटर दिखा रहा है। अगर इसके इसको हटाए बिना आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे आपने इसको हटाया इसके बाद यहाँ पर प्रेस ब्रेक ऑन मोड बटन वाला पूरा सर ये गाड़ी स्टार्ट ये हो गया टूट गया। आपको इसमें कोई आवाज़ नहीं आएगा गाड़ी को स्टार्ट किया बाद इसमें चलाएंगे कोई आवाज़ नहीं। सर ये पहला स्कूटी है जिसमें आप रिवर्स में भी पार्किंग कर सकते हैं। देखिए सर देखिए सर ये गाड़ी ऑटोमेटिक रिवर्स जाएगी और स्पीड फ्रंट भी जाएगी अगर जब पार्किंग में आप उसको करेंगे। दूसरा ये है आपका ये फ़ोन स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ आता है, इसमें आप फ़ोन अपना कनेक्ट कर सकते हैं। ये गाड़ी में आपको सर नॉर्मल मोड और इकोनॉमी मोड मिलता है। इसमें पावर मोड है, ये पार्किंग सिस्टम में 1000 बैग है, 1000 बैग चलेगा सर। आप इससे अपना फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं प्लस आप इधर आइए सर साइड में आपको TVS की ब्रांडिंग मिलेगी जो TVS इलेक्ट्रिक है मिलेगी आपको। ये LED है, जब गाड़ी चलने लगेगी तब ये बंद हो जाएगी। सर जैसे कि आप गाड़ी में जानते हैं जैसे कि इंजन से पावर आपका चेन से जाता है, बेल्ट से जाता है, लेकिन ये TVS का ये सर है इसमें ना चेन है ना बेल्ट है, इसमें डायरेक्ट हब मोटर लगा है। ये बॉस कंपनी का मोटर लगा हुआ है, 3-phase DC मोटर है इसमें सर, ये इसके अंदर ही फिट है। और आपको इनिशियल टॉर्क इनिशियल पिकअप मिलेगा इसमें। जैसे कि जो बेल्ट वाली गाड़ी आती है और उसमें क्या है सर जैसे कि आपको हर 10,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर के बाद बेल्ट चेंज करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। और सर इसमें रीजनरेटिव पावर है, मतलब जैसे कि सर आप गाड़ी चला रहे हैं 50-60 के स्पीड में और एक्सीलेटर छोड़ दें तो ये जब गाड़ी जो रोटेशन कर रही है वो गाड़ी आपको बैटरी को चार्ज भी करेगी। इसमें 3 लिथियम आयन बैटरी भी है। और सर आप जैसा कि बेसिकली देखे होंगे कि गाड़ी में आपको इन स्टोरेज नहीं मिलता इलेक्ट्रिक गाड़ी, लेकिन हमारे सर इसमें 20 लीटर का स्टोरेज है। ये सर इसका स्टोरेज है, यहाँ पर सर आपको फ़ोन चार्ज करने के लिए USB चार्जर और आपको एक लाइट भी मिलता है सर। ये आप डिक्की में आप कुछ सामान रखें तो ये आपको लाइट भी दिखेगा। यहाँ पर आपका चेंजिस नामों को भी कवर किया गया है कंपनी की ओर से ताकि यहाँ से पानी भी नहीं जाए। और सर ये गाड़ी के जो मोटर है IP67 वाटर प्रूफ है सर। अगर गाड़ी अगर इतना देर भी पानी में डूब जाता है तो गाड़ी में बैटरी का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। 3 लिथियम आयन बैटरी का इसमें सेटअप है सर, एक इसके अंदर यहाँ पे और 2 यहाँ पर लिथियम आयन। और ये सर ये गाड़ी चार्ज होने में सर 6 घंटे लगती है। इसमें 2 चार्जिंग ऑप्शन मिलेगा, एक स्मार्ट एक्स कनेक्ट और एक सर ICPD केबल। स्मार्ट एक्स कनेक्ट आपको घर में आपका इंस्टॉल होगा और ये जो चार्जर है जो नॉर्मल आप गाड़ी के साथ लेंगे वो आप सर उसको लगा सकते हैं। AC चार्जर है 15 एम्पीयर यहाँ के ये चार्जर। और सर इसमें ये फीचर दिया है मान लीजिए गाड़ी आप चार्ज में लगाए हुए हैं और अगर गाड़ी आपका ऑन करके आप बढ़ाने खोजेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगा, वो इसलिए दिया क्योंकि सेफ्टी के लिए दिया। और सर जैसे आप देख सकते हैं गाड़ी में इसमें एक सेंसर भी है, सेंसर बेल्ट है गाड़ी में आपका इनबिल्ट GPS है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप गाड़ी जैसे कि आप चला रहे हैं, आप गाड़ी पार्किंग में लगाए हैं, आपका गाड़ी कोई चोरी करने को दे तो ये गाड़ी आपको ऑटोमेटिक फ़ोन में आपको मैसेज भेज देगी कि आपकी गाड़ी में कुछ चाबी लगाने का प्रयास कर रहा है। गाड़ी आपका ऑन होगा आपको फ़ोन में मैसेज आएगा। गाड़ी आप जैसे कि पार्किंग में लगा दिए अगर 50 मीटर अगर गाड़ी आपके डिस्टेंस से ट्रेवल होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सर आप किसी को गाड़ी दे रहे चलाने के लिए तो आप बोले कि इस लोकेशन से आगे नहीं जाने के लिए, तो
तो आप 5 लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ कि उस लोकेशन से गाड़ी अगर आगे जाएगी तो आपको मैसेज आएगा सर आपका गाड़ी आपको इस लोकेशन से बाहर है। प्लस इस गाड़ी में सर आपका बिल्टिन GPS है, इसमें अंदर ही सिम लगा हुआ है, इसमें आपको 1 ईयर के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन है और उसके बाद लाइफ टाइम स्मार्ट एक्स कनेक्ट का फीचर इसमें है, बेसिक फीचर आपको लाइफ टाइम मिलेगा। जैसा कि गवर्नमेंट का भी झुकाव है पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण के हिसाब से बहुत काम किया जा रहा है, कंपनी ने भी पर्यावरण के हिसाब से पेट्रोल से जिस तरह पोल्यूशन बढ़ता है और पेट्रोल का दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, पर्यावरण को बचाना है उस क्षेत्र में काम करते हुए कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया है और इसीलिए स्कूटर लाए गए इलेक्ट्रिक स्कूटर। एक बार चार्ज करने के बाद इसका माइलेज 25 किलोमीटर है और टॉप स्पीड भी इसका 25 किलोमीटर का है। अपना परिचय। संजय कुमार, मिस्टर पीयूष सिंह, मिस्टर जैसे सुहा अग्रवाल, पार्टनर में स्कूटी को स्कूटी। एक खासियत इसमें यह है कि आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की कीमत में रोज़ाना बढ़ोतरी हो रही है और जैसे ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं उनका रनिंग ज़्यादा नहीं होता है, मतलब डेली का 25-30 किलोमीटर, तो वैसे लोगों के लिए जिनका रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है उनके लिए बहुत बढ़िया गाड़ी है, क्योंकि एक बार चार्ज रनिंग कॉस्ट भी आपका बहुत कम हो जाता है, मतलब आप अगर 3 साल ये गाड़ी चलाइए तो गाड़ी का दाम आपका जो आप दे रहे हैं पेट्रोल डीजल खरीदने में जितना पैसा लगाते हैं वो मूल्य आपको वापस मिल जाएगी। कितने प्राइस? प्राइस इसका लगभग 1,15,000 के लगभग है। अपना परिचय। मैं पीयूष सिंह हूँ, ओनर फॉरेस्ट GPS। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल पे आप देखते हैं 5-7 मिनट आपको ट्रैफिक में फंसे रहते हैं तो पेट्रोल भी खर्च होती है, वैसा इसमें खर्च नहीं है, आपका इंजन ऑफ हो जाएगा। और इसमें एक और खासियत है जियो टैगिंग है, मोबाइल से जैसे आपके घर में कोई बच्चे हैं वो गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि देखें उनका लोकेशन वो देख सकते हैं और जियो टैगिंग से आप टैग कर सकते हैं कि ये लोकेशन के बाहर अगर गाड़ी जाएगी तो गाड़ी बंद हो जाएगी, उसके बाहर गाड़ी ऑन नहीं है, ये है इस गाड़ी में। और ये रिवर्स पार्किंग असिस्ट भी है इसमें, तो गाड़ी रिवर्स भी जाएगी। कितने गियर हैं आप? कितने गियर हैं? कितने गियर? कितने गियर? नहीं है ये गियरलेस गाड़ी है, बैक गियर जाता है। हाँ वो मोड है, मोड चेंज कीजिए इसमें, और भी 2 मोड पावर और इको मोड है। पावर मोड में आपको ये एक चार्ज में गाड़ी ज़्यादा चलेगी और अगर आप थोड़ा तेज चलाना चाहते हैं तो पावर मोड में कर दीजिए गाड़ी तेज चलेगी। आप देखो कि पूरी दुनिया पेट्रोल डीजल या कच्चा तेल पे हमको अरब कंट्री पे निर्भरता रहती है, उसी पर निर्भर रहती है और पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो वर्ल्ड वाइज इकोनॉमी से बेस है, तो अगर वहाँ कच्चे तेल का डॉलर का भाव बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली भाव सब जगह बढ़ जाते हैं, तो और विदेशी मुद्रा भी हमारी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाती है। तो देश का आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम है कि भारत की सड़कों पर अधिकांश वाहन वो इलेक्ट्रिक से चले, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, और उनके इस विज़न को नितिन गडकरी जी जो हमारे बहुत मेहनतकश मंत्री हैं और हम कहते हैं कि बहुत विजनरी मंत्री हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करके इतना प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो भारतमाला एक्सप्रेस हो, चाहे NH की सड़कें हो, चाहे वाहनों का ट्रैक्टर का इलेक्ट्रिक के वाहन हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसी का अनुरूप ये बच्चों के लिए TVS ने एक इलेक्ट्रिफिकेशन का जो स्कूटी निकाली है तो बहुत किफ़ायती है और उसमें हमको बताया गया कि GST भी 5% है, दूसरे वाहनों में 28% है, सब्सिडी भी है और बहुत सारे और छूट है। भारत सरकार का मानना है कि हम जब इसको प्रमोट करना है और भारत की सड़कों पर बिना डीजल पेट्रोल के गाड़ियाँ दौड़े, बिजली से चलित गाड़ियाँ दौड़े, तो उसी मुतालिक ये प्रमोट कर रहे हैं। भारत सरकार बहुत चीज़ों में सब्सिडी दे रही है और इसीलिए आप देखो कि हमने पहली बार अभी देखा आपने कि किसी स्कूटी में बैक गियर भी है, तो बैक गियर भी होना एक नया इनोवेशन है
और आज नवरात्र का पावन पर्व है, आज सप्तमी का दिन है। मैं टीवीएस और स्थानीय एजेंसी के लोगों को मैं साधुवाद शुभेच्छा देना चाहूँगा कि आज सप्तमी के दिन जहाँ माँ का आगमन होता है इस तिथि पर, इस पावन दिन पर उन्होंने बहुत बड़ा लॉन्चिंग किया है। और मैं इनको, माननीय नितिन गडकरी जी को विशेष शुभेच्छा और धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी सोच भी दिल्ली से बहुत दूर झारखंड के इस राजधानी रांची में। सवाल एक ये है, जैसे भारत सरकार की जो योजना है कि प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है कि एजुकेशन हो, तो जैसे पेट्रोल पंप होते हैं जहाँ डीजल पेट्रोल की सुविधा रहती है, आपकी गाड़ियों के टायर में हवा भरने की सुविधा रहती है, दिल्ली वगैरह में सीएनजी की स्टेशन की सुविधा रहती है, तो वैसे ही चार्जिंग पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि हम घर से चार्ज करके चले और रास्ते में ख़त्म हो गया तो आप कहाँ चार्ज करोगे, तो जगह जगह चार्जिंग पॉइंट भी बनाने की योजना नितिन गडकरी जी की है। और नितिन गडकरी जी बड़े सोच वाले मंत्री हैं और बहुत विजनरी मंत्री हैं, और उनका विज़न भारत में, भारत की जनता पिछले कई सालों से देख रही है, और उनका विज़न सड़क में भी उतर रहा है, और उनका विज़न ही है कि भारतमाला एक्सप्रेस, उनका ही विज़न ही है कि एनएच कितनी दुरुस्त है, उनका ही विज़न है कि जो टॉल रोड है उसमें देश में बहुत टॉल फ्री भी हो रहे हैं। बहुत विजनरी मंत्री होने के कारण आज भारत की जनता को बहुत सौगात मिल रही है और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। झारखंड की आवाज़ यूट्यूब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।